बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये वीडियो ये बात रिकॉर्ड पर लाने के लिए बना रहा हूँ कि आजकल में खुदा ना खास्ता मुझे कोई नुकसान पहुँचता है, मेरी टीम के किसी मेंबर को कोई नुकसान पहुँचता है, हमारे किसी साथी की जान जाती है, तो कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये मालूम हो कि इसके पीछे कौन हो सकता है। वैसे तो 8 साल में टीम सरेआम ने जितने भी जराइम पेशा अफराद को बेनकाब किया, उनमें से जिसका भी बस चले वो हमें गोली मारने से कम नहीं करेगा। हर एक हमारी जान का दुश्मन है। सोशल मीडिया पर भी ये लोग इनके हवारी अक्सर कैंपेन्स चलाते रहते हैं, लेकिन ये मामला ज़रा मुख्तलिफ इस तरह से है कि मेरे दाएं जाने पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये पुलिस यूनिफॉर्म भी जाली है, ये शख्स भी जाली DSP है, इसकी गाड़ी पर लगी सरकारी नंबर प्लेट भी जाली है, और ये और इसके जाली पुलिस अहलकारों का गैंग अगवा बराए तावान का काम करता था, जिसे 3 साल पहले टीम सरेआम ने अपनी जान लिटरली हथेली पर रखकर बेनकाब किया था। रेंजर्स के साथ हमने कार्रवाई की थी, इस गैंग में हमारे लोग शामिल रहे और अगवा बराए तावान की इसकी कार्रवाइयों को खुफिया कैमरों पर रिकॉर्ड किया, ऐसी सूरत में कि अगर इसे पता चल जाता कि ये लोग टीम सरेआम के लोग हैं तो वो उसी वक्त में गोली मारता, गुरेज नहीं करता गोली मारने से। क्योंकि उन्हीं कार्रवाइयों के दौरान जब हम ये खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, इसने एक लड़की को अगवा करने के दौरान मुजाहमत पर उसे बेझिझक गोली मार दी थी और तबाद अजामो अब्बासी शहीद अस्पताल में जेर इलाज भी रही। तो 3 साल पहले जुलाई ही में हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की रेंजर्स के साथ। अंडा मोड़ पर इसका अगवा बराए तावान का जो अड्डा था उसे बेनकाब किया। वहाँ से 2 लड़कियाँ और एक शख्स हमें, जिनके हाथ और पैर बंधे हुए थे, लरसते कांपते हुए वहाँ से बाजियाब करवाए हमने, और इस शख्स को रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी गिरफ्तारी के बाद ये पता चला कि इस पर कत्ल के 3 मुकदमात, कम से कम 3 मुकदमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। उन थानों की पुलिस आई, इंटेरोगेट किया और इसको गिरफ्तार कर लिया अमली तौर पर, उन 3 कत्ल के मुकदमात में भी। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ को बेहतर करे कि लोअर कोर्ट से तो इसकी बेल खारिज होती रही, लेकिन 3 साल बाद हाई कोर्ट से इस शख्स की जमानत मंजूर हो गई, और ये शख्स जो 3 कत्ल के मुकदमात में मतलूब था, जिसे हमने सबूतों के साथ रेंजर्स के साथ जाके बाजियाब करवाया था, जिस वक्त रेंजर्स ने और हमने ये कार्रवाई की उस वक्त इसके अगवा बराए तावान के अड्डे से 3 लोग, जिनमें 2 लड़कियां शामिल थीं, वो जंजीरों में बंधे हुए वहाँ से बाजियाब हुए, लेकिन उसके बावजूद ये शख्स मुआशरे में बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद इसने क्या किया, वो शख्स जो हमारा खैरख्वाह था, जिसे आप इन्फॉर्मर भी कह सकते हैं, जिसने हमारे अराकीन को इसके गैंग में शामिल करवाया था, और वो बेचारा अब तक 4 घर इसके खौफ से तब्दील कर चुका था, इसने उसका घर तलाश किया, उसके घर में जाके पिस्तौल के ज़ोर पर उसे नींद की गोलियां खिलाईं, नकाब उड़ाया, अपने दूसरे साथी को इसी हमारे साथी की चाबी दी कि गाड़ी स्टार्ट करे और दरवाजे के बाहर ले आए, और इसको अपार्टमेंट से नीचे उतार कर लेकर आया, और इरादा ये था कि इसको अगवा करके लेकर जाए अपने अड्डे पर और तशद्दुद करके इसको मारे ताकि इबरत का निशान बना सके। लेकिन अल्लाह की करनी, अल्लाह कुछ और मंजूर था। CCTV फुटेज आप देख सकते हैं कि ये जैसे ही वो नकाब के साथ इसको लेकर नीचे उतरा, वो गोलियों का असर अल्लाह की मेहरबानी से ज़ायल हुआ और हमारा जो साथी था वो वहाँ से भागा, ये उसके पीछे भागा, लेकिन तब तक इसने फिर रियलाइज़ किया कि अब मुझे इसका पीछा नहीं करना चाहिए, वापस आया और उसकी गाड़ी को लेकर ये लोग चले गए। उस दिन की FIR भी थाना गिजरी में इस वाक़े की दर्ज है। लेकिन इस शख्स के जुनून का आलम आप ये देखिए कि ये बेधड़क होकर गोली चलाता है, उस शख्स को भी अगवा करने आ गया 3 साल जेल में रहने के बावजूद भी। सो हमारी जान तो हाजिर है पाकिस्तान के लिए, हमारा खून हाजिर है हर वक्त पाकिस्तान के लिए, हम हर जगह सरेआम जाते हैं, इवेंट्स के अंदर लोगों के दरमियान मौजूद होते हैं, रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं, सो ये ज़िंदगी तो हाजिर है इस कॉज के लिए। लेकिन इस बात से बहुत तकलीफ़ होगी कि खुदा न खास्ता प्रोग्राम सरेआम की वजह से, प्रोग्राम से वाबस्ता किसी टीम मेम्बर या किसी खैर खा की जान चली जाए, नाहक जान चली जाए। तो आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अब तक हमने जो भी कंट्रीब्यूट किया है सोसाइटी के लिए, हमने कभी कुछ नहीं मांगा, मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से कोई भी शख्स इस शख्स को जानता है जिस पर 3 कत्ल की FIRें हैं, अब इस अगवा की कोशिश की FIR भी हो गई, जो हमने लोग बाजियाब करवाए थे रेंजर्स के साथ जाकर, उसकी FIR भी मौजूद है, इसके क्राइम के तमाम तर रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, अगर आप इसको जानते हैं, इसके ठिकाने के बारे में जानते हैं, तो प्लीज़ पुलिस की हेल्पलाइन पर या रेंजर्स की हेल्पलाइन पर आप ज़रूर कॉल करके बताइए इस शख्स के बारे में, ताकि इसको गिरफ्तार किया जा सके। वंस अगेन, मेरी ज़िंदगी का मामला नहीं है और ना ही मेरी ज़िंदगी का मसला है, अल्लाह ने चाहा तो ज़ाहिर जुरात कब्र में है, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि उसे कोई टाल नहीं सकता, लेकिन किसी ऐसे शख्स की जिसने नेक नियती के साथ टीम सरेआम की मदद की, या टीम सरेआम की बाकी अराकीन जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको किसी तरह का नुकसान पहुँचे तो ये बड़ा नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा मेरे लिए ज़िंदगी भर के लिए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस शख्स के बारे में आप कोई भी इंफॉर्मेशन रखते हैं तो आप शेयर कीजिए,
कम से कम ये जरूर कीजिए कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और शायद किसी ऐसे शख्स तक ये पहुंच जाए जो इस शख्स के बारे में, जो जाली डीएसपी है वजी, इसके बारे में कोई मालूमात पुलिस को या रेंजर्स को दे सकता हो। बाकी मुझे, मेरी टीम को और खास तौर पर हमारे साथी को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।